यस, अब चलिए एक और अपनी स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है सुरभि जैन, जो लखनऊ के एक छोटे से, लखनऊ के पास एक छोटी सी जगह से हैं। और सबसे पहले मैं बताऊं कि सुरभि की निम सेट में ऑल इंडिया 158 रैंक है और साथ में सीईटी महाराष्ट्र में 9th रैंक है। तो सुरभि, पहले तो इस दोनों रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुरभि, जब मैं आज आपका इंटरव्यू लेना चालू कर रहा था तो कल ही रात को सीईटी का रिजल्ट आया और जब मैंने देखा कि आपकी सीईटी में भी 9th रैंक है तो बड़ी खुशी हुई। ये एक अचीवमेंट है आपको। इनफैक्ट ये अलग बात है कि आप एनआईटी इलाहाबाद लोगे, क्योंकि आपकी रैंक पे आपको इलाहाबाद अलाउड हुआ है। तो सुरभि, मैं आपके बारे में चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं। एक छोटा सा बैकग्राउंड में बता दूं कि सुरभि ने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। लास्ट ईयर एमसीए का एग्जाम दिया जरूर था, पर अच्छी रैंक नहीं आने की वजह से ड्रॉप का डिसीजन लिया और ड्रॉप के साथ सुरभि ने प्रिपरेशन की। लास्ट ईयर पहले पेनड्राइव कोर्स से जुड़ी, फिर बाद में जब हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हुआ तो ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी। तो सुरभि, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है आप जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेने से डरते हैं, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आपकी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी। जब हम कभी अच्छी जगह से, अच्छे कॉलेज से एजुकेशन लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है और हमारे टारगेट लगभग सेट होते हैं। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते, तो वो ऐसे में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा पहले आप अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी बताएं, फिर मैं कुछ आपसे और पूछूंगा। ओके सर। सर पहले तो सर मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मैंने अपना ग्रेजुएशन डीयू से किया है, तो लास्ट ईयर में डिसाइड कर लिया था कि एमसीए करना है, वही बेस्ट ऑप्शन लग रहा था मुझे। और मेरा सीएस में स्टार्टिंग से थोड़ा इंटरेस्ट था भी, तो फिर मुझे अपने लिए वही बेस्ट ऑप्शन लगा। तो लास्ट ईयर में मैंने 6-7 months प्रिपेयर किया, सेल्फ प्रिपेयर ही किया, खुद से बुक से मतलब सॉल्व किया और पढ़ा। और जो नहीं समझ में आता था वो यूट्यूब पे टॉपिक्स पे वीडियो देख लेती थी, तो तभी मैंने सर के वीडियोस भी देखे, तो मुझे उनका पढ़ाने का कॉन्सेप्ट काफी सही भी लगा। तो उस ईयर तो मेरी रैंक 1500 के आसपास कुछ आई थी, तो कोई ऐसा अच्छा कॉलेज तो नहीं मिल रहा था। तो एक बार को सोचा भी कि कोई और ले लें, लेकिन फिर लगा कि नहीं, पीजी करना है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अच्छे जगह से ही करेंगे, तो एक साल का ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा सपोर्ट ये भी था, मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड भी थी, उसने भी प्रिपेयर किया था साथ ही में, तो उसका भी सेम था, उसका भी नहीं हुआ, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि ड्रॉप ले लेते हैं। तो फिर जब ड्रॉप किया तो हमने मतलब सोचा कि कोर्स लेके ही करेंगे, इस बार सेल्फ प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो सर का पेन ड्राइव कोर्स लिया। तो पहले तो मतलब ऑनेस्टली मेरे बेसिक्स मैथ्स में ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने इसलिए कोर्स लिया। तो स्टार्टिंग के 6-7 months तो ड्रॉप में मुझे अपना अच्छे से बेसिक्स पढ़ने में और लेक्चर्स लेके क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब सिर्फ प्रैक्टिस ही की। उसके बाद लास्ट में मतलब जनवरी फरवरी से मैंने अपना टेस्ट देना और रिवाइज करना, लास्ट ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चंस काफी बार लगाए, 2-3 times तो मैंने जितने बुक में थे वो सब लास्ट ईयर जेई मेंस के लगाए क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगा, मैंने लास्ट 2 months में एग्जाम के रेगुलर टेस्ट दिए और टेस्ट एनालाइज किया, उससे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि टेस्ट रेगुलर देते रहने से हमें ये समझ आ गया कि जैसे कौन से टॉपिक में हमसे बार बार ट्राई करने पे भी नहीं हो रहा है, जिसमें अटक जाते हैं, तो हमें पहले से सोच लेना है कि उस टॉपिक पे फिर हमें थोड़ा साइड रख के ही चलना है, पहले बाकी क्वेश्चंस जो हो जाते हैं हमसे जिस टॉपिक के वो करने हैं। और ये जब एनालाइज करो तो ये काफी समझ आता है। ये सर भी ये बात बोलते हैं कि काफी बच्चे कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं जो हमें देखने से लगता है कि बस ये हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, उसमें टाइम लग जाता है। और ये चीज मेरे साथ काफी होती थी, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी, और मैं टेस्ट भी देती थी तो स्टार्टिंग के टाइम में मेरे टेस्ट में यही होता था कि मैं कुछ क्वेश्चन में फंस जाती थी, तो इस कारण मेरे अटेम्प्ट्स कम हो जाते थे। तो ये सब तो उससे वो रेगुलर मैंने 2 months सिर्फ यही मतलब लास्ट के 2 months तो मैंने टेस्ट ही दिए हैं और बाकी पीछे का रिवाइज किया, जिस टॉपिक में लगता था कि ये टॉपिक इस टॉपिक के नहीं बन रहे हैं वो बार बार रिवाइज किया, उसके क्वेश्चन बार बार सॉल्व किए, और टेस्ट रेगुलर दिया, रेगुलर एनालाइज किया। उसे सर के सेशंस भी होते थे एनालिसिस वाले, उसमें सर बताते थे कि कौन से क्वेश्चन हमें नहीं उस पर ध्यान देना है, जो हमें पता लग जाता है देख के कि नहीं ये बड़ा है, लेंथी है, इसमें टाइम लेगा। तो ये चीज काफी फायदा होता है, जितना टेस्ट दो एनालाइज करो, तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा मेरे लिए लास्ट के 2 months में। तो उसके बाद फिर अभी ये रैंक आ गई, तो काफी अच्छी बात। घर में सब लोग बहुत खुश होंगे सुरभि? यस, काफी खुश हैं। और फिर इधर ही की हूँ तो एनआईटी इलाहाबाद भी मिल गया, तो इस बात से भी काफी खुश है। और मेरी जो फ्रेंड जिन्होंने प्रिपेयर किया था साथ में, उनको भी एनआईटी इलाहाबाद ही अलॉट हुआ है। आप दोनों ने, क्योंकि पहले पेन ड्राइव कोर्स से जुड़े, लाइव कोर्स से जुड़े। सुरभि, देखिए आपने जो अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, मैं हर बच्चे को यही बोलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रेगुलर पढ़ाई के साथ टेस्टिंग करना, और टेस्टिंग में ये समझ लेना कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं करना,
कई बार ये चीजें हम सेल्फ स्टडी में असिस्ट नहीं कर पाते, पर जब हम एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो ये सब चीजें समझ में आने लगती है कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, किसको कम टाइम दे रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को जो ये सेशन देख रहे हैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे सुरभि ने डीयू कॉलेज से बीएससी किया, अक्सर मैंने ये देखा है कि जब कोई बच्चा अच्छी कॉलेज से अच्छी जगह से एजुकेशन ले रहा होता है तो उसके मन में कंफ्यूजन कम होता है और वो बहुत आसानी से अपने लाइफ को सेट करता है। पर ऐसे बच्चे जो नॉर्मली कई बार बड़ी जगह नहीं निकल पाते, या कई बार पेरेंट्स या कई बार रिलेटिव्स रोक देते हैं कि नहीं नहीं ड्रॉप नहीं लेना, ऐसे सभी बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि लाइफ में एंड डिग्री जो आखिरी की डिग्री है वो सबसे अच्छी होना चाहिए और उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और देखिए आपके सामने एक बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है सुरभि। सुरभि कोई बहुत बड़ी जगह की नहीं है, लखनऊ के पास एक छोटी सी जगह है, आपने क्या नाम बताया उस जगह का, नाम बताइए पहले मुझे, मुझे नाम भी याद। कितनी पॉपुलेशन होगी बहराइच? बहराइच कितनी पॉपुलेशन होगी वहाँ सर? पॉपुलेशन ऐसे मुझे मैं बता नहीं सकती, छोटी सी जगह, छोटा टाउन है मतलब। तो देखिए आपके सामने ये एक एग्जांपल है, तो आप अगर एक बार ये ठान लेंगे कि जीवन में कुछ करना है तो कोई नहीं रोक सकता। और आज की डेट में पेरेंट्स तो हमेशा ही सपोर्ट में रहते हैं, पेरेंट्स का कभी कोई प्रेशर नहीं होता। तो आप सभी बच्चों को मैं ये बोलूंगा लाइफ में कंप्रोमाइज मत करिए, मेहनत करिए। अगर कोई चीज नहीं मिल पाई तो उसके लिए आप उसको छोड़ने की जगह उसके लिए फिर से प्रयास करिए, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो सुरभि आपको इस बात के लिए एक बार फिर से ढेर सारी बधाई, और मैं चाहूंगा कि आप कुछ इंपिटस गुरुकुल स्टूडेंट के बच्चों को बोलना चाहें या जूनियर्स को, तो आपका क्या मैसेज होगा? मैं तो यही कहूंगी कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है तो ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सर भी ये बात काफी बोलते हैं और मुझे ये बात अच्छे से समझ आती है, तो मतलब ड्रॉप ले लेना चाहिए क्योंकि काफी फायदा है। सिर्फ एक साल लगता है लेकिन आगे का काफी सिक्योर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सुरभि ने बोली, और टेस्ट रेगुलर देते रहने चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सुरभि, ऑल द बेस्ट वंस अगेन। लास्ट टाइम में टेस्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है, लास्ट टाइम में भी और रेगुलर भी जो पढ़ाई करें उसमें भी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आप ऐसे ही खुश रहिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में अभी आपका ये सक्सेस जर्नी स्टार्ट हुआ है, इसको बिल्कुल एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। और अब आपको क्योंकि पता है, देखिए एक प्लस पॉइंट होता है कई बार, जैसे अब आपने ड्रॉप लिया आपको एक रैंक मिली, अब आपको पता है कि अगर सक्सेस लेनी है तो टाइम लग सकता है पर मिलेगी। तो ये एक अचीवमेंट हमारी लाइफ में एक ये भी चेंज लाता है कि हमें आगे के डर को खत्म कर देता है। और ऐसे सभी बच्चों को मैं बोलूंगा कि जो जीवन में एक कुछ चीज अचीव करते हैं उसके बाद उनके अंदर डर खत्म हो जाता है। तो आप भी अपने अंदर के डर को दूर करिए और अपने एम को, अपने फोकस को टारगेट करिए, उस हिसाब से आगे बढ़िए। चलिए थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।